सो गाइज, आज का हमारा क्वेश्चन है पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस। तो इसमें सबसे पहले हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे। तो उसमें हमें एक ये डायग्राम ऐड कर देनी है। तो ये जो है, ये डायग्राम है साइट्स ऑफ पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस की। तो इसमें सबसे पहला है ये बेयर एरिया ऑफ लीवर, ये है अम्बिलिकस, ये है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ किडनी ये वाला, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस ये वाला, और ये है एनल कैनाल। तो ये हो गए हमारे डायग्राम साइट्स ऑफ पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस की। उसके बाद हमें ये एक डायग्राम ऐड कर देनी है। तो देखते हैं इसमें लेबलिंग क्या है। ये है सुपेरियर वेना कावा, ये है अजाइगस वेन, ये है डायफ्राम ये वाला, उसके ऊपर है हेमियाजाइगस वेन एंड लोअर एंड ऑफ इसोफेजस विथ इसोफेजियल वेन ये वाला। ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ये है पोर्टल वेन ये वाली पोर्टल वेन, ये है स्प्लीनिक वेन ये वाली स्प्लीनिक वेन, ये है लीवर ये वाली लीवर, पैराम्बिलिकल वेंस ये वाली पैराम्बिलिकल वेंस, यहाँ पे जो है इन्फेरियर मिजेंट्रिक वेंस ये वाली इन्फेरियर मिजेंट्रिक वेन, ये इन्फेरियर वेना कावा, और ये है सुपेरियर मिजेंट्रिक वेन ये वाली सुपेरियर मिजेंट्रिक वेन। नेक्स्ट हम देखेंगे ये है पैराम्बिलिकल वेन ये वाली पैराम्बिलिकल वेंस, ये है अम्बिलिकस, वेंस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये है वेंस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये है इन्फेरियर मिजेंट्रिक वेंस यहाँ पे आ रही है एनल कैनल में, रेक्टम एंड एनल कैनल ये वाला। तो ये है सुपेरियर रेक्टल वेन ये वाली, नेक्स्ट है मीडियल रेक्टल वेन ये वाली एंड इन्फेरियर रेक्टल वेन ये वाली। तो ये हो गए मेरे डायग्राम पोर्टोकैवल एनास्टोमोसिस की, जो कि हमें दिखाती है पोजिशन एंड फॉर्मेशन। सो उस डायग्राम के बाद हम लिखेंगे पोजीशंस। तो पोजीशंस में हम सबसे पहले लिखेंगे लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। तो वहाँ पे जो है वो पोर्टल वेन आती है, जो पोर्टल वेन है वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक, और जो सिस्टेमिक वेन है वो है इसोफेजियल वेन। नेक्स्ट है लोअर एंड ऑफ रेक्टम। तो वहाँ पे जो पोर्टल वेन है वो है सुपेरियर रेक्टल वेन, और सिस्टेमिक जो वो है मीडियल एंड इन्फेरियर रेक्टल वेन। जो थर्ड है हमारी पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल, उसमें पोर्टल वेन जो है वो है स्प्लीनिक एंड सिस्टेमिक जो है वो है लेफ्ट रीनल वेन। तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है बेयर एरिया ऑफ लीवर। तो उसमें जो है पोर्टल वेन जो है वो है पोर्टल रेडिकल्स एंड सिस्टेमिक है वो है डायफ्रामेटिक। फिफ्थ है अम्बिलिकस। तो उसमें है पोर्टल जो वेन है वो है पैरा अम्बिलिकल, सिस्टेमिक वेन में आते हैं अबोव साइड में सुपेरियर इपिगैस्ट्रिक एंड लैटरल थोरासिक, बिलो में आते हैं सुपेरियर इपिगैस्ट्रिक एंड सॉरी सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक एंड इन्फेरियर इपिगैस्ट्रिक, साइड से आती है पोस्टेरियर इंटरकोस्टल एंड लुम्बा। तो ये हो गया हमारे फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो उसमें आता है पोर्टल वेन में आते हैं पैराम्बिलिकस एंड सिस्टेमिक में आता है डायफ्रेगमेटिक, एंड लास्ट है लिगामेंटम वेनोसम, वहाँ पे आता है पोर्टल में आता है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल एंड सिस्टमिक वेन में आती है इन्फेरियर वेना कावा। तो ये होगा मेरे पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल पोर्टो कैवल एनास्टोमेसिस। नेक्स्ट हम लिखेंगे ट्रिब्यूटरीज एंड क्लिनिकल कंडीशन ऑफ पोर्टो कैवल एनास्टोमेसिस। तो सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस। तो ट्रिब्यूटरीज में हम लिखेंगे सम इसोफेजियल वेन्स ड्रेन वाया लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इनटू पोर्टल वेन, सम इसोफेजियल वेन ड्रेन इनटू हेमियाजाइगस वेन जो कि बाद में ड्रेन करती है वेना अजाइगस में, उसके बाद वो ड्रेन करती है सुपरफिशियल वेना कावा में। तो ये होगा मेरे ट्रिब्यूटरीज। क्लिनिकल कंडीशंस में हम लिखेंगे इन लिवर सिरोसिस दिस ट्रिब्यूटरीज एनास्टोमोस गिविंग राइज टू इसोफेजियल वेराइसिस। तो लिवर सिरोसिस में क्या होता है, वो इसोफेजियल वेराइसिस दिखाती है इफ वेरासिस रप्चर्स कॉजेस हिमेटोमेसिस, अगर वेरासिस रप्चर हो जाती है तो कॉज करती है हिमेटोमेसिस। नेक्स्ट हम लिखेंगे अम्बिलिकस। तो अम्बिलिकस में हम लिखेंगे ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज में हम लिखेंगे अ फ्यू पैरा अम्बिलिकल वेन्स रन्स अलॉन्ग द लिगामेंट लिगामेंटम टेरिस एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, वेन्स अराउंड द अम्बिलिकस ड्रेन वाया सुपेरियर एंड इन्फेरियर इपिगैस्ट्रिक वेन्स
इनटू सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना कावा रिस्पेक्टिवली। ओके तो ये हो गया हमारे ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट हमें लिखना है क्लिनिकल कंडीशन, तो क्लिनिकल कंडीशन में हम लिखेंगे इन लीवर सिरोसिस कॉजेस कैप्यूट कैप्यूट मेडुसी, इन लीवर सिरोसिस कॉजेस कैप्यूट मेडुसी, तो ये हो गया हमारे अम्बिलिकस। नेक्स्ट हम लिखेंगे एनल कैनाल, तो उसमें हम लिखेंगे ट्रिब्यूटरीज सुपेरियर रेक्टल वेन कंटिन्यूस अप एज इन्फेरियर मिजेंट्रिक वेन विच ड्रेन्स इंटू पोर्टल वेन। नेक्स्ट द मिडल एंड इन्फेरियर रेक्टल वेन्स ड्रेन्स इंटू इन्फेरियर वेना कावा। तो इसमें क्लिनिकल कंडीशंस में हम लिखेंगे लीवर सिरोसिस कॉजेज एनास्टमेस बिटवीन सुपेरियर रेक्टल एंड अदर रेक्टल वेन्स, दिस एनास्टमाइजिंग वेन्स रिजल्ट इन पाइल्स एंड हिमरॉइड्स। ओके तो ये हो गया हमारा एनल कैनल का। नेक्स्ट हम लिखेंगे बेयर एरिया ऑफ लीवर जिसमें ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज में हमें क्या लिखना है सेंट्रल वेन्स एंड सब लोबुलर वेन्स आर अ पार्ट ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, इंटरकॉस्टल वेन्स एंड फ्रेनिक वेन्स एंड इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके तो ये हो गया हमारा ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लिनिकल कंडीशंस, तो देर इज अ सम एनास्टमेसिस बिटवीन पोर्टल वेन एंड सिस्टेमिक वेन, तो ये हो गया हमारा बेयर एरिया ऑफ लीवर का।